नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। तमाम राजनीति पार्टियां इस चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। ऐसे में जो टिकट के दावेदार हैं, वो भी दल के साथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन सब के बीच एनडीए अलायंस ने पहले बाजी मारी और सीट शेयरिंग फॉर्मूला को क्लियर कर दिया। कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आजसू ने यह कहा कि 68 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं 10 सीट आजसू को मिला है, 2 सीट जेडीयू को और 1 सीट एलजेपी को मिला है। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर इंडिया अलायंस अभी पीछे है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में मौजूद हूं। यहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये तस्वीर आपको अब मैं रेडिशन ब्लू की दिखा रही हूं। आप देखिए, कल शाम तेजस्वी यादव इसी रेडिशन ब्लू पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए हैं। और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि 2019 विधानसभा में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला इंडिया गठबंधन का तय किया गया था, जिसमें 41 सीट जेएमएम को मिली थी, वहीं 33 सीट कांग्रेस को मिली थी, 7 सीट आरजेडी को मिली थी। लेकिन इस बार 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार वाम दल भी सहयोगी है इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसे में सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी अपने खाते से एक एक सीट वाम दल को देगा। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो है वो 11 सीट पर अड़ा हुआ है। और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव कल शाम से ही राजधानी रांची में मौजूद हैं और आज सुबह उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीट शेयरिंग को लेकर के मिलना था, मुलाकात करनी थी। लेकिन जो तेजस्वी यादव के नेता हैं, जब उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई तो बात नहीं बनी सीट शेयरिंग को लेकर के। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो नाराज हैं, इस रेडिशन ब्लू होटल में रुके हुए हैं। 11 सीट की मांग आरजेडी कर रहा है, लेकिन आरजेडी को पहले जो 2019 में जो सीट मिला 7 सीट, उसी सीट पर झामुमो अड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जो है अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने जाने वाले थे, लगभग 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव अब भी होटल में बने हुए हैं क्योंकि बातें जो है वो बन नहीं पा रही है। इन सब के बीच आपको बता दूं, आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद होंगे, आरजेडी से नेता तेजस्वी यादव मौजूद होंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी रांची पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी भी आज सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक करेंगे, बातें होंगी। और जल्द ही इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा और साथ ही साथ ये भी अनाउंस करेगा कि किन दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो मैं रेडिशन ब्लू की दिखा रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान की बात करूं तो वो 20 नवंबर को होना है और इसके साथ ही 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और समझ में आएगा कि झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद दे रही है। हालांकि आपको बता दूं कि कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले फेज की और 25 अक्टूबर तक अंतिम तारीख है नामांकन करने का। ऐसे में अब तक इंडिया गठबंधन के तरफ से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, घोषणा नहीं हो पाई है कि किस दल को कितनी सीटें मिलने जा रही है, ना ही अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। लेकिन इस सबके बीच आरजेडी के कई ऐसे दावेदार हैं जो टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो रेडिशन ब्लू के बाहर ही कार्यकर्ताओं को रोक कर रखा हुआ है, अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में भारी कार्यकर्ता रेडिशन ब्लू होटल के बाहर भी मौजूद है, निगाहें लगाए बैठे हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात हो और सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातें हो। देखिए, आगे जो भी अपडेट होगा इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।